हेलो जी, दिस इज़ मेघरा शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, हो गई है मॉर्निंग भी, हो गई है दोपहर, हो गई है आज है जुम्मा, जुम्मा मुबारक। तो जी, सबसे पहले तो आप लोग एक काम कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो जी, आज सेंटर नहीं जा रही, आप लोग यही बोलेंगे जाती कब हो तो बहरहाल अभी सेंटर नहीं जा रहे रिमशा, और मैंने आज ऑफ किया है क्योंकि रिमशा का प्लान था कि फ्रेंड स्कूल जो स्कूल वाली फ्रेंड्स थी उनको बुलाने का, तो डिसाइड हो रहा था कहाँ बुलाएं। तो फिर रिमशा ने कहा कि मैं अपने ही घर पर बुला लेती हूँ, कोई भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रिमशा ने अपने घर पर बुलाया है और मुझे भी बोला था कि मैं भी आ जाऊँ। सो अभी तो खैर शाम हो चुकी है, बस जल्दी से कपड़े प्रेस करते हैं और निकलते हैं। कपड़े यही वाले पहन लेंगे जो अभी उस दिन पहन के गए थे, नया ही सूट है, उस दिन फर्स्ट टाइम पहना था। अभी जल्दी से इसको प्रेस करती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर निकलती हूँ, फिर वहाँ मिलती हूँ। वैसे वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग और वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि वो लोग ब्लॉग में नहीं आती है। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस अब जो है अभी कुछ भी भूख तो नहीं लग रही है, एग बॉयल करके खा लूँगी और फिर वहाँ जाके खाती हूँ कुछ ना कुछ। रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, बट मम्मी का और मेरा कुछ खाने का दिल कर गया था तो जी नगेट्स रखे हुए थे, मैंने कहा चलो नगेट्स ही फ्राई कर लेते हैं, जाने से पहले ये खा के चले जाती हूँ। मैं खराब हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं, F4 हो चला गया, चल कोई ये इकरा की वजह से हुआ, पकड़ लेती तो नहीं। जब ये मेरे पास आई ना करीब, देख मेरा डब्बा खुल गया, इसको बंद कर, कमीने ने वो नहीं लगाया क्या, ये देखो बच्चे आपस में मिलकर खुश हो एक दूसरे, दोस्त भले ना करे प्यार, उनके बच्चे कर रहे हैं प्यार, बस आप नहीं उठा सकती दोस्त। ये देखे, ये इसका नया नया पीस है, दूसरी वाली भी आ गई है, बट हम इसका फेस नहीं दिखा सकते, अलाउड नहीं है। मैंने मंगा लिया है बाहर का खाना आज। हाँ ना, ये सामने खड़ी हुई थी जब आया था, तो निकालो ऊपर ऐसा, ये फ्लेवर अलग है, ये फ्लेवर अलग है, दोनों दोनों निकालो। मनी रुक जा, ये मुझसे बच्ची इतना हिल गई है कि मैं क्या बताऊं, कि ये कुछ दिन बाद याद करेगी ना। कून में बैठ गई है, है भाई उतर मिल गई ना, है ना भाई, है ना भाई। अभी खाना खाना तो खा लिया है, अब केक भी खा लिया, मीठा भी हो जाए, है ना भाई, फिर हमें घर जाना है, हस्बैंड का वेट कर रही है। आ जाओ, चलो काटो, कट में ब्लॉग बना ले, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, बहुत अच्छे बचपन के दोस्तों में खोट है, खोट लोग सब चले गए हैं अपने अपने हस्बैंड के साथ, मैं रह गई हूँ, मुझे जो है आकिब भाई छोड़ देंगे घर पर, रिमशा और आकिब भाई लोग। चलो भाई चल लेते हैं जल्दी से, रिमशा के मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ एक, चलो लेट्स गो। क्या कर रही हो? मेरा प्रैंक तो देखना, कौन सा प्रैंक? प्रैंक वाली वीडियो मैंने तो देखी भी, देखूंगी। चलो ठीक है, देख लिया, पता नहीं यही वाली चप्पल स्लीपर पहन के जा रही हूँ, वॉशरूम वाली खिरू किचन वाली पकड़ नहीं है। हेलो जी, तो हो गया है जी दूसरा दिन और जो है रात भी हो गई है, अब हम लोग खाने लगे हैं रात का खाना, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, अब खाऊंगी रात का खाना। तो जी रात में जो है आ गई थी मैं घर, रिमशा के घर से, उसके बाद जो है मैंने आगे कोई भी वीडियो शीडियो बनाई नहीं, क्योंकि फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, कुछ है ही नहीं, बस फिर सो गई थी रात में। सुबह मैंने कहा ये व्लॉग 2-3 दिन तक बनाऊंगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा बना नहीं है, थोड़ा सा ही बना था, मैंने कहा ये 2-3 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो बस अभी हम लोग खाना शाना खा रहे हैं, बस मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि पता चला है भाई बारिश हो रही है हमारी तरफ, बहुत कुछ खाती हुआ आप लोग। जाने लग गया नहाने का, बट रात हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है।
और बारिश हो भी रही है तो इतनी रात में हो रही है, नहा भी नहीं सकता बनता, इतना दिल चाह रहा है मेरा नहाने का, मेरा दिल कर रहा है नहा लूँ मैं, लेकिन रात हो रही है कि नहा भी नहीं सकते, ऐसे ही इंजॉय करो, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है वेदर, नहीं से इंजॉय करते वैसे ही। जी अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो जी आज है मंडे और कल संडे था, कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, कहीं पे भी निकली भी थी, घर पे ही थी, छुट्टी थी, सेंटर का भी ऑफ था, आज कश्मीर डे है, आज भी सेंटर का ऑफ है। सो मौसम भी दो तीन दिन से बारिश भी हो रही है, अच्छा हो रहा है, तो हम लोगों का जाने का था रिमशा, हम लोगों का अम्मी का भी थोड़ा सा घर में काफ़ी टाइम से वो है, उनका बड़ा मूड हो रहा था जाने का कहीं ना कहीं, तो भाई कहाँ जाएं, पोर्ट ग्रैंड जाएंगे वहाँ पे जैसे इस वेदर में जाएंगे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो भाई अभी सोकर उठी हूँ मैं, 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं फिलहाल अभी, तो बस अभी उठते हैं जल्दी से, कपड़े शपड़े निकालते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर जाएंगे, फिर रिमशा को पिक करेंगे, वहाँ से फिर हम चले जाएंगे। मैंने कहा आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि आज घर पे नहीं हूँ, बाहर जाऊँगी, बस फिर आज एंड कर दूँगी व्लॉग को। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, बस जी अभी मैं निकल रही हूँ मम्मी के साथ, फिर वहीं जाके दिखाती हूँ। टिकट हमने कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो गाइस हमने कहा हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, हमें पकोड़े वगैरह खाने का मूड हो रहा था, हमने कहा चलो पकोड़े शकोड़े वगैरह भी खा लेते, पकोड़े शकोड़े वगैरह भी खा लेते, पापड़ मिक्स पकोड़े होंगे, ओनियन है, मिर्च वाले और आलू वाले, और ये मिर्च आ गया हमारा छोटा सा प्लेटर जिसमें पकोड़े भी हैं, मिर्ची भी है, और आलू के पकोड़े, मिर्चे, सादे पकोड़े, सब चीज़ें और चाय भी है। कैसे हैं? अच्छे हैं। खाओ खाओ। हम लोगों ने मंगवाया है ये डोसा, ये है अंडे, अंडे वाला डोसा है, चिकन का नहीं है, आलू का, आलू और आलू और अंडे का, और अंडे का डोसा है ये, ट्राई करो करो तुम लोग, ट्राई इसको, ये डालना इसके साथ खाओ, मंडो मंडो अम्मी अम्मी जो है ना बेचारी बहुत बोर हो रही थी घर में, होती हैं अकेली, बोलती वहीं तो चल लो, मतलब घर बोल रही थी दादी वादी के चल लो, मैंने कहा घर से निकल के घर में ही जाएंगे, इससे अच्छा कहीं चल ही लेते हैं, तो अम्मी की वजह से आ गए इस बार, अम्मी का दिल नहीं लग रहा था। अबे ये चटनी अच्छी है, ये पापड़ी इतनी मजे की लग रही थी, हमने और मंगवा लिया एक्स्ट्रा, फारिग नहीं बैठ सकती हैं, तो अम्मी अपना जो है ना अम्मी के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने के लिए, ठीक है, तो अम्मी ने बोला कुछ नहीं मिल रहा, अभी पकोड़े शकोड़े ये सब कुछ खा लिया, अब यहाँ पे कॉन्सर्ट देख रहे हैं बैठ के, तो अम्मी ने बोला चलो कुछ मुंह चलता रहे, तो इसलिए वो पॉपकॉर्न ले आई, खुद ही ले आई जाके भाई पॉपकॉर्न यहीं से
और हम दोनों फिर बैठे थे, सिर्फ मम्मी खा रही है। खा पी के तुम लोग मुझे ये बता के दिया फेशियल भी मेरी काफी सारी निकल गई है, हल्की फुल्की सी रह गई है। इसका हाथ भी चल रहा है, मेरी सिस्टर भी लगी हुई है। अम्मी खाती नहीं, अम्मी कम खाती है हमारी। याद आया कि मैंने अपना फुल लुक नहीं दिखाया है, बट ये इतना कोई ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा। अम्मी से दिखवाऊंगी अभी। हम लोग घर पर आ गए हैं, हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर कर दिया है, आने वाला होगा अब। जी आए कोई कर दी पर लाए ना, तुझे कोई भी नहीं था फाइनल लुक लेने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए अम्मी मिली। मैंने अम्मी से कहा कि जो है ना वही बना दें, मम्मी को तो हमारी वीडियो बनानी ही नहीं आती है। पूरा दिखा दिया था मैं, आपने फुल दिखाया है, तो बस यही आज का लुक था। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ मम्मी से वीडियो बनवा कर। हमने मंगा लिए थे, अब हम जल्दी से खाते हैं, सामान लगाएं जल्दी से। वीडियो शीडियो बनाने लग गई थी जो कि मैंने बना ली है, अब हम खाएँगे खाना। जल्दी से खाएँगे रोस्ट मसालेदार लेग पीस मम्मी। हेलो जी, तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। कल आने के बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, ठीक है। फिर आज भी हम लोग सेंटर नहीं गए, मॉर्निंग क्या रात हो गई है, पूरे दिन नींद आती रहती है, रात में नींद नहीं आती, रात में मैं लेट नाइट सोती हूँ और दिन में मैं जो है सो रही होती हूँ। फिर सेंटर भी आज नहीं गए, रिमशा की भी तबीयत सही नहीं थी, मेरी भी अजीब सुस्ती सी हो रही थी। तो बस अभी रात हुई है, नाश्ता वगैरह किया नहीं था, खाना शाना खा रही हूँ अभी मैं। अम्मी ने बनाया है चिकन और गोभी का सालन, तो जी अभी मैं वही खा रही हूँ। चीज़ें वगैरह मेरी सारी ख़त्म हो गई, बस अभी वही लेने के लिए जाऊँगी। ये बनाया है। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर पर, चीज़ें मुझे लेने के लिए गई हुई थी, अपनी चटर मटर की चीज़ें जो कि मैं लेकर आ गई हूँ। आजकल कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा पी रही हूँ ना, जिसकी कोई हद ना हो। खैर मैंने कहा ये, मैंने सोचा ऐसे लोग को मैं यहीं पर ही एंड कर दूंगी, गर्मी लग रही थी मुझे, मैंने पंखा खोला। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्लॉग मेरा जो है बड़ा ना हो जाए ना, मैंने कहा यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो भी लाइक करिएगा, करनी तो ज़रूर है। जब आप वीडियो देखने के लिए आए हैं चैनल पर तो लाइक के बगैर नहीं जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उसको दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। तो जी आज है शबे मेराज, और आज के दिन यकीनन आप लोग सभी इबादत करेंगे, हम भी करेंगे। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी अपनी। और मैंने कहा कि ये एक क्लिप भी जो है मैं लाजमी ऐड कर देती हूँ अपने व्लॉग, वैसे मैं कल एंड कर चुकी थी। सो मैंने कहा आज शब मेराज है, आज के दिन का एक क्लिप ऐड कर दिया जाए। तो बस जी अभी मैं भी नमाज वगैरह पढ़ूंगी, नफिल वगैरह पढ़ना है, और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बल्कि जब तक शायद ये व्लॉग लगाऊँ हो ही चुकी होगी, बहरहाल मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखा करें हमें। और दूसरी बात ये कि मुझे दुआ में याद रखें ना रखें, बट हमारा जो पाकिस्तान है जो कि कल उसके लिए वोट डलेगा, तो प्लीज़ 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 ज़रा जो भी आप लोग वोट दें, जिसको भी दें, थोड़ा सोच समझ के देगा पाकिस्तान के लिए, जो हमारे लिए ठीक हो आगे जाके। चाहे आप लोग सोचें इमरान खान को वोट दूंगी, इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी, इंशाल्लाह दुआ है हमारी सबकी जो जो इमरान खान के साथ में, कि इमरान खान ही जीते। और दूसरी बात ये कि अगर वो ना भी जीता
तो हमारे दिल को एटलीस्ट ये तो होगा कि हमने एक हक और सच पर वोट दिया है, हमने अपना वोट जाया नहीं किया। अगर वो ना भी जीता तो हमें ये होगा कि हमने उसको वोट तो दिया था ना, एटलीस्ट वो ना जीता तो क्या, हम उसके साथ तो खड़े हुए ना, ठीक है, जो हम कर सकते थे वो तो हमने किया ना। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है, आज के दिन में यही दुआ करूँगी कि इमरान खान जीत जाए कल लाजमी। खैर कल वोट का दिन है, कल लाजमी मैं उसी को वोट दूंगी, आप लोग भी उसी को ही देगा जो मतलब सोच समझ के देगा। मैं यही कहूँगी, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती आप लोगों को, भाई आप लोगों की मर्ज़ी है, बट जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है उसके लिए दें, सोचें समझें सोच समझ के वोट दें, और ज़रूर दें, अपने वोट को किसी और को देकर ज़ाया ना किया जाए। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लंबी हो गई, पढ़कर हम खाएँगे खाना जो कि आज हमारे यहाँ बना है पुलाव, मज़ेदार।